बसमिल्लर मैं हूं डॉक्टर मज़र वारिस उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियात फरमाए आज हम शुरू करेंगे अपना छठा जोडिक साइन जिसे वर्गो कहते हैं और उर्दू में से बुरज शुमला कहा जाता है अगर हम देख लें कि कौन से अफराद बुरजे शुभला के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ फाल करती है तो इस हवाले से ऐसे अफराद जो तेईस अगस्त से बाईस सितम्बर के दौरान पैदा होते हैं उनकी जो साइन है उनका वो विरगो है जिसे उर्दू में सुमला कहा जाता है और अगर रूलिंग प्लानट की बात करें तो रूलिंग प्लानट इनका मरकरी और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका ग्रीन और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका फाइव है लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका जमोस जिसे एमरल्ड भी कहा जाता है और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका वेनसडे यानी बुध वाला दिन माना गया है इनके लिए जनवरी 2022 के अंदर स्टार की पोजीशन क्या होगी इनके हॉरोस्कोप में क्या क्या ट्रांज़िट होने जा रही है तो इस हवाले से हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इनका सेंडर लॉर्ड विर्गो का वो इनके सिक्स हाउस में ट्रांजिट करेगा और साथ सैटरन मौजूद है सेटरन यहाँ पर सिक्स हाउस का लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस का कंबाइंड लॉर्ड है तो इस हवाले से आपके जो लॉन्स हैं उस हवाले से चीज़ें पॉजिटिव हो सकेंगी अगर आप लोन की जो किस्त है इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे सके तो इस हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी अब ऐसे सबाव पैदा होंगे कि आप वो चीज़ें कर सकेंगे सेकंड आपकी लिटिगेशन के मैटर्स हैं लिटिगेशन के मैटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसके अंदर भी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं अगर कोई फ़ैसला होता है तो वो कंसेंसिस या ऐसा फ़ैसला जिससे आपको फेवर मिल सके या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती हुई नज़र आ रही है और अगर हम इनकी हेल्थ को फोकस करें तो हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो हेल्थ इनको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ेगा और हेल्थ के मामला थोड़े से इनके डिस्टर्ब नजर आते हैं इस मंथ के अंदर और अगर इनकी हेल्थ के मामला चल रहे हैं तो वो उसकी रिकवरी स्लो नज़र आ रही है उसका मेडिसन का जो इफ़ेक्ट है वो नज़र अभी नहीं आ सकेगा यानी उसकी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल स्लो होती हुई नजर आ रही है अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल मैटर्स इनके कैसे रहेंगे फाइनेंशियली अगर हम देखें तो वीनस इनके फिफ्थ हाउस में मौजूद है सेकंड हाउस का लॉर्ड लेकिन यहाँ पर ये है यानी चीज़ें पॉजिटिव तो रहेंगी लेकिन किसी न किसी वाले से कोई ना कोई हर्डल्स ऑबस्टेक्कल्स uh, ये चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं इसलिए फाइनेंशियल मैटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत सोच कर समझ कर होकर आपने डिसीजन लेने हैं अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी मैटर्स प्रॉपर्टी मैटर्स के हवाले से जो पिछले टाइम पीरियड से चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थी वो इनशाला चेंज होने जा रही हैं और राहु और केतु का जो ट्रांज़िट है वो आपके हाउसेस से यानी फोर्थ और टेंथ हाउस से ये चेंज होगा और ये आपके नाइन्थ और थर्ड हाउस में ट्रांसिट हो गया तो थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन आपके रीडिंग राइटिंग स्पीचिंग पावर और कम्युनिकेशंस और आपके फॉरेन में मैटर्स इन चीज़ों को आपने फोकस करना है इन एरियाज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है होती हुई नज़र आ रही हैं अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की एजुकेशन मैटर्स में अगर हम देखें तो इनके लिए चीज़ें पॉजिटिव नज़र आते हैं और एजुकेशनल कामयाबियाँ हैं और मोहब्बत के मामलों के अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और ऐसी खातें जो प्रेगनेंट हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ें अच्छी रहेंगी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आते अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के मैरिज के परस्पेक्टिव में देखें बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो चुका है मैरिज इनकी बहुत अच्छी रहेगी मैरिज करना मुबारक रहेगा अच्छा लाइफ पार्टनर इसी तरीके से अगर कहीं नाराज़गी चल रही है मियाँ बीबी में तो उनको मनाया जा सकता है इन वो ताल्लुक दोबारा अच्छे और बेहतर की तरफ जाएंगे और ऐसे अफराद जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं उनके लिए बिज़नेस के मैटर बहुत अच्छे होने जा रहे हैं और बिज़नेस ग्रो करेगा पार्टनरशिप करना चाहें तो टाइम पीरियड अच्छा है अगर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तब भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं इनकी फ़ॉरन में ट्रैवल फॉरन में ट्रैवल करने वाले अफराद को सिर्फ इस मंथ के अंदर अपने डॉक्यूमेंटेशन को आ, आ, फोकस करना है किसी कि भी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से कोई वीजे के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है इस हवाले से जहन में रखिएगा इस चीज़ को और अगर हम इनकी इमिग्रेशन मैटर्स को देखें तो उसमें अभी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आती अब हम बात करते हैं इनकी कैरियर की कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड इनका आ, थोड़ा सा इनको मुहतात रहना चाहिए क्योंकि इनके दसवें घर का मालिक इनके छठे घर में है तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको थोड़ा सा मोहतात तो और कल चलना पड़ेगा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता वो जो राहू और केतु का जो ट्रांज़िट था वो चेंज हो चुका है और आपके फोर्थ और टेंथ हाउस से उसके जो एस्पेक्ट है जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं अब वो थर्ड और नाइन्थ पर आएंगे तो इस हवाले से इन चीज़ों को जहन में रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा अपना ख्याल रखिएगा खुदाफे